नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। भारतीय इतिहास में, हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक रहेगा भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में। हम पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। तो देखो, राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय का जो टाइम पीरियड है वह 1774 से लेकर 1833, मतलब 1774 में इनका जन्म हुआ वेस्ट बंगाल और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई लंदन इंग्लैंड में। तो देखो, बंगाल के अंदर राजा राम मोहन राय को जन्म हो जावे 1774 के अंदर, है ना, और मृत्यु 1833 लंदन, मतलब ये इनका टाइम पीरियड है। अब आइए वन बाई वन इनको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के उपनाम। एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आता ही आता है, छोटे मोटे एग्जाम में यहीं से सवाल आता है राजा राम मोहन राय के बारे में, यदि पूछते हैं तो याद रखना राजा राम मोहन राय के क्या उपनाम है। युगदूत, इनको युगदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक और पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। अतीत और भविष्य के बीच सेतु, पुनर्जागरण का, प्रभात का तारा या पुनर्जागरण का जनक एक ही बात है। तो देखो, पांच इनके उपनाम है, युगदूत, पत्रकारिता और पुनर्जागरण के जनक, आधुनिक भारत के पिता और अतीत और भविष्य के बीच सेतु। नेक्स्ट, अब इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं। देखो, 1809 में एक रचना ही, तुअ फुत उल मुहाउद्दीन। देखो, तुअ फुत उल मुहाउद्दीन फारसी के अंदर है ना, तो इन हिंदी में बोलांगा एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। तो 1809 में तुए फुत उल मुहाउद्दीन या एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। फिर आइए 1815 में आत्मीय सभा, तो उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816, अगले साल 1816 में उन्होंने क्या किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और उसके जस्ट अगले साल 1817 के अंदर हिंदू कॉलेज, वो हिंदू कॉलेज कोलकाता में, बनारस वाला नहीं, तो उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की कोलकाता में एक अंग्रेज की सहायता से, और उसका नाम था डेविड हेयर। बिंग बाद में यदि बात करा, 1820 में रचना है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, मतलब हिंदी बोला ईसा मसीह के नीति वचन। नेक्स्ट 1825 में वेदांत कॉलेज की उन्होंने क्या की, स्थापना की। और उसके 3 साल बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना करी कोलकाता के अंदर। तो 1828 ब्रह्म समाज कोलकाता। फिर अगले साल 1829 में, उस समय जो भारत के जो थे गवर्नर जनरल है ना, विलियम बेंटिंग है ना, उनके सहयोग से उन्होंने भारत के अंदर सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। तो सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया विलियम बेंटिंग के सहयोग से, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे, 1829। और अब बात करते हैं 1830 में। 1830 में क्या हुआ, इधर देखो, 1830 में दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर सेकंड, ठीक, बिन टाइम बंगाल में विद्वान व्यक्ति, इनका मूल नाम है राम मोहन राय। तो अकबर सेकंड के काम करियो, राम मोहन राय ने राजा की उपाधि दी 1830 में, उपाधि दे गए और राजा राम मोहन राय ने लंदन भेजा है, और लंदन मतलब इंग्लैंड भेजा, और इंग्लैंड को राजा ऑफ बिन टाइम है विलियम चतुर्थ। तो विलियम चतुर्थ के कने भेजा है अकबर सेकंड, राम मोहन राय ने राजा की उपाधि दे गए आपकी पेंशन बढ़वाने वास्ते। तो 1830 लंदन भेजे अकबर सेकंड, राजा की उपाधि दे गए किन्ने, राम मोहन राय ने, क्या वास्ते, पेंशन बढ़ाने वास्ते। तो जल मार्ग द्वारा, बंगाल से जल मार्ग द्वारा है ना, जलियान में बैठ गए जावे लंदन, और बिन टाइम बैठे इंग्लैंड को राजा विलियम चतुर्थ, और बैठे इंग्लैंड के अंदर ही लंदन में ही ब्रिस्टल के अंदर के हो जाए राजा राम मोहन राय की 1833 के अंदर के हो जाए मृत्यु हो जाए, और मृत्यु के बाद में बैठे दफना देवे, और बैठे राजा राम मोहन राय की कब्र है, और भी कब्र पर के लिखे है, भी कब्र पर हरि के लिए नाटक का कुछ अंश लिखड़ है, ओ हरि के लिए नाटक कण लिखियो, ओ हरि के लिए नाटक लिखियो, विग्रह राज नंबर 4 चौहान राजा था कठे गो अजमेर गो। अण विग्रह राज नंबर 4 चौहान जो अजमेर के अंदर राजा वह जगह नाटक लिखियो हरि के लिए, किसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, और भी संस्कृत भाषा के अंदर ही हरि के लिए नाटक का जो अंश है
बे अंश ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की कब्र के ऊपर लिखड़े है। बिंग अलावा ई अजमेर के अंदर अढ़ाई दिन को झोंपड़ो भी है, भी झोंपड़े ऊपर भी ए अंश लिखड़े है ना। तो कब्र और झोंपड़ा दोनों पर हरि के लिए नाटक का कुछ अंश लिखड़े। बिंग अलावा यदि आप बात करा 1833 के अंदर मृत्यु हो जावे लंदन ब्रिस्टल के अंदर। नोट, बिंग अलावा कुछ इनकी रचनाएं हैं, संवाद कौमुदी जो इनकी रचना है वो बंगला भाषा में उन्होंने लिखी, कब 1821। तो संवाद कौमुदी भाई संवाद कर से बंगाल को आदमी है तो बंगला भाषा में कर से 1821। मिरातुल अखबार फारसी के अंदर 1822। एक ब्रह्म निकल मैगनीज है, सॉरी हाँ मैगनीज है जो कि अंग्रेजी में 1823। तो 21, 22, 23 तीन रचना याद रखनी है। बिंगला याद रखना है, प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार गए, भारत को पहला आदमी जो समुद्र पार गए सिर्फ धरती पर यदि पैर रखा है तो वो कोई और को नहीं, राजा राम मोहन राय। बहुत ही ब्रीफ के अंदर आप बात करी है और सारी बात कर ली आप ना, तो देखो वन बाई वन इन्हें आप देख ले। राजा राम मोहन राय 1774 में बंगाल में जन्म और 1833 में लंदन में मृत्यु। अब वन बाई वन आज इनके पहले उपनाम पढ़ेंगे, युगदूत, पत्रकारिता का पिता है ना, पुनर्जागरण के प्रभातकार तारा या जनक है ना, अतीत और भविष्य के बीच सेतु और आधुनिक भारत के पिता। 1809 में तुएफुत उल मुहाउद्दीन, 15 में आत्मीय सभा, 16 में वेदांत सोसाइटी, 17 में हिंदू कॉलेज कोलकाता, 20 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और उसके बाद 25 के अंदर वेदांत कॉलेज, 28 में ब्रह्म समाज और 29 में सती प्रथा वरोक, 30 के अंदर अकबर सेकंड राजा की उपाधि दे गए लंदन भेजे विलियम चतुर्थ के दरबार में और 33 में ब्रिस्टल में क्या हो जाए मृत्यु जा। तो ब्रीफ के अंदर आप सारी बात पढ़ ली। बिंगला दो चार रचना है, बिंगलावा समुद्र पार जाने वाले प्रथम भारतीय। और याद रखना राजा राम मोहन राय प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने 8-10 भाषाओं का क्या था नॉलेज था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।